नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 19 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तो कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता कौन बन गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं वह दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। तो ये था दोस्तों कल वाले वीडियो क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है शिरोई लिली महोत्सव 2019 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो शिरोई लिली महोत्सव 2019 का उद्घाटन है ये मणिपुर में किया गया। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देखते हैं। तो ये फोटो में दोस्तों आपको जो शिरोई लिली फेस्टिवल 2019 आपको दिखाई दे रहा है, यह 16 से 19 अक्टूबर 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में। तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मणिपुर के उखरूल के शिरोई वन गायन मैदान में शिरोई लिली महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया है। दोस्तों, श्री पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ मिलकर 4 दिवसीय राज्य उत्सव के तीसरे संस्करण को खोलने के रूप में एकता की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस संयुक्त प्रयास से ही क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति के लोगों की अपेक्षा के स्तर तक बढ़ावा मिल सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की विकास दर को 2020 में कितना प्रतिशत बताया है, यानी कितना प्रतिशत घटकर कितना प्रतिशत रह जाएगी। तो IMF ने दोस्तों भारत की विकास दर है वह 2020 में कितना प्रतिशत बताया है, यह 7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7%। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो भारत की विकास दरों को दोस्तों 2019 और 2020 में क्रमशः एंड 2019 में 6.1% और 2020 में 7% तक घटा दिया गया है, जो अप्रैल दरों के सापेक्ष 1.2% अंकों और 0.5% अंकों की गिरावट के साथ घरेलू मांग से कमजोर है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में भारत की विकास दर 5% गिर गई है, जो 6 वर्षों से सबसे कम है। दोस्तों, उपभोग निवेश और निर्यात में भी कमी आई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, 41वें DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 41वीं जो DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें DRDO जो डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन किया है। दोस्तों, इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में DRDO द्वारा देश की सुरक्षा के लिए भारतीय बलों की तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई है। दोस्तों, यह सुझाव दिया गया है कि DRDO प्रौद्योगिकी के अवशोषण में एक उत्प्रेरक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस विभाग ने घोषणा की है कि वह 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। तो किसने घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भारतीय रेलवे ने की है। तो भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएंगे। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सुबह 8 से 9 बजे के मध्य टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। ये कदम दोस्तों जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की एक रणनीति का हिस्सा है। रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में जो सेरावीक द्वारा इंडिया एनर्जी फोरम में घोषणा की गई है।
दोस्तों भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है ये भारत है, और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक है। इसी के सुधार के लिए भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है दोस्तों। इसमें एकल प्रबंधन के तहत लगभग 1,25,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, और इंडियन रेलवे अपने नेटवर्क के साथ भूमि के बड़े हिस्से में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करके पर्यावरण अनुकूल बनने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा मित्र योजना क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फोटो में आपको केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह आपको दिखाई दे रही हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना यानी ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला का शुभारंभ किया है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा मित्र योजना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू की है, जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा क्रिकेटर मास्टर कार्ड की मुहिम टीम कैशलेस इंडिया से जुड़े हैं? तो हाल ही में दोस्तों जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है वह मास्टर कार्ड की मुहिम जो टीम कैशलेस इंडिया है उसके साथ ही जुड़े हैं। तो ये फोटो में आपको टीम कैशलेस इंडिया की जो कर्मचारी हैं उनके साथ में महेंद्र सिंह धोनी आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड की मुहिम जो है टीम कैशलेस इंडिया के साथ जुड़े हैं, जिसमें वह देश के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो यह अभियान दोस्तों टीम कैशलेस इंडिया उपभोक्ताओं और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के लिए बढ़ावा देता है। यह अभियान सभी भारतीयों को एक या एक से अधिक व्यापारियों को नामांकित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जो वर्तमान में डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड डिजिटल भुगतान स्वीकृत बुनियादी ढांचे को तैनात करके नामांकित व्यापारियों का समर्थन करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेडर्स भागीदार बैंकों और जो फिनकेट कंपनियों के साथ में मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग की सेवा शुरू की है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय डाक ने अपने जो बचत खाता या जो सेविंग अकाउंट वाले जो कस्टमर हैं उनके लिए मोबाइल बैंकिंग की सेवा शुरू की है भारतीय डाक ने। तो भारतीय डाक का इंडियन पोस्ट का लोगो आप देख पा रहे हैं। तो डाक विभाग ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग की सेवा शुरू की है। यह सुविधा दोस्तों कोर बैंकिंग सॉल्यूशन डाकघरों के सभी डाकघर बचत खाता धारकों के लिए उपलब्ध होगी। इस मोबाइल बैंकिंग सुविधा की शुरुआत डाक विभाग द्वारा उनके बचत खाता धारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू किए जाने के लगभग 1 साल के बाद शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, फकीर लालन शाह की कौन सी पुण्यतिथि हाल ही में मनाई जा रही है? तो फकीर जो लालन शाह है इनकी 129वीं पुण्यतिथि है वह इस बार मनाई जा रही है। तो फोटो में आप फकीर लालन शाह को देख पा रहे हैं। तो इनकी ये पुण्यतिथि कहां पर मनाई जा रही है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में फकीर लालन शाह की 129वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1774 में हुआ, हालांकि इसका कोई लिखित अभिलेख मौजूद नहीं है। वहीं 1890 में उनका निधन हो गया था। वह दोस्तों हिंदू थे, लेकिन उनका लालन पालन जो है वह एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया गया, क्योंकि उनके अपने परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बारे में जानते हैं। तो फकीर लालन शाह के गीतों में दोस्तों मानवतावाद, प्रेम और समानता के बारे में बातें की गई हैं, जो धर्म, जाति और संप्रदाय की सीमाओं से परे हैं। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है जो बाउल द्वारा लोकप्रिय हैं। दोस्तों बाउल ने उन दिनों बंगाल के ग्रामीण इलाकों और असम के कुछ हिस्सों में घूमते हुए अपने गीत गाए थे। उनके समकालीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके कुछ गीतों को प्रसारित और प्रकाशित भी किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भारतीय फुटबॉल टीम किसको हराकर SAFF अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का तीसरा संस्करण जीत लिया है? तो ये दोस्तों भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर ये पुरस्कार जीता है। तो भारतीय फुटबॉल टीम को बधाई। अब इसके बारे में जानते हैं। ये फोटो में आपको इंडियन फुटबॉल टीम आपको दिखाई दे रही है। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को दोस्तों 5-3 से हराकर SAFF अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का तीसरा संस्करण जीत लिया है। यह टूर्नामेंट दोस्तों दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा भूटान के थिम्पू में
तो चंगली मिथांग स्टेडियम है वहां पर आयोजन किया गया था और भारतीय कप्तान छिलकी देवी ने फाइनल में जगह बनाने के लिए 5-3 से जीत हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के पहले AI विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो UAE ने विश्व का पहला AI विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। तो फोटो में दोस्तों इसकी घोषणा के साथ वहां के जो शेख हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, तो UAE ने अबू धाबी में मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की घोषणा की है। यह दुनिया में दोस्तों पहला ग्रेजुएट लेवल अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों MBGU AI स्नातक छात्रों, यानी ये MBZU AI है, ये इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है, जिसे हम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। स्नातक छात्रों, व्यवसायों और सरकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2019 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? ऑप्शन है 56, 102, 65 और 98। ये दोस्तों आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपका श्योर सही होगा। यदि वीडियो नहीं देखा तो वह भी आप जरूर देखें, हमारे रोज आप वीडियो देखते रहें जिससे आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो सके। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन और घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।